हेलो साथियों, एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका अवधेश सर, शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस एंड रेलवे कंपटीशन से। साथियों, आज आपका टॉपिक रहेगा करंट जीके में क्वाड। क्वाड क्या है इसके बारे में समझेंगे, और इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसके सम्मेलन कितने हुए हैं, कहाँ हुए हैं, इसका भविष्य कैसा है, ये बहुत सारी बातें हम जानने का प्रयास करते हैं बहुत कम समय में। तो प्रारंभ करते हैं अपना विषय क्वाड। क्वाड की फुल फॉर्म होती है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि इसका मतलब होता है चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, यानी कि ये चार देशों का एक समूह है। जैसे क्वाड्रिलेटरल लेट एक दो और ये तीन और ये चार, इस तरह का मान लीजिए, ये चतुर्भुज बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल, इसे कहते हैं चतुर्भुज। अब इसके बीच में क्या है, ये चाइना देश बैठा हुआ है, चीन। अब इसके चारों ओर इधर आपका ये इंडिया है, यहाँ पर ये जापान हो गया, और इधर ये आपकी अमेरिका हो गई, यूएसए, और नीचे आपकी ऑस्ट्रेलिया आ गई। अब ये चार कंट्रीज हैं जो इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, इसकी विस्तारवादी नीति जो है उस पर नकेल रखने के लिए, इसकी दादागिरी को कम करने के लिए, इंडिया और जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों के समूह को जिसे कहते हैं चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, इनकी आपस में जो चारों लोगों की इसके ऊपर नकेल कसने के लिए जो वार्ता होगी, वार्तालाप होगी, तो उस पर उसका एक जो संगठन बनाया गया उसे हम क्वाड कहेंगे। इसका इसमें आपके ये ध्यान देंगे, सबसे पहले जो क्वाड आया था ये अनौपचारिक रूप से इसकी स्थापना जो है जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय सिंजो आबे जो थे, उन्होंने 2007 में इसकी अनौपचारिक बात रखी थी। औपचारिक बात, ये औपचारिक बात रखी कि जो चाइना है ये सबका दुश्मन है, ये साउथ चाइना क्षेत्र जो आता है, इसने साउथ चाइना सी समुद्र का जो एक भाग है उस पर भी इसने कब्जा कर रखा है इसके अंदर, जिसमें नौ देशों का विवाद इस चीन से चल रहा है। दुनिया का 33% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, वहाँ पर भी इसने अपनी दादागिरी दिखा करके उस पर अपना कब्जा करना चाहा चाइना ने। ऑलरेडी जापान इसका दुश्मन है ही, सीमा विवाद चलता है, भारत का विवाद चलता है, क्योंकि भारत की सीमा भी सबसे ज़्यादा जो है चीन से मिलती है। आए दिन ये सुनने को रहता है कि चाइना की सेना जो है इंडिया में घुस गई, कहीं डोकलाम के ऊपर आप चाहे रखिए, डोकलाम विवाद मान लो, चाहे गलवान घाटी का मामला हो, चाहे लद्दाख का प्रकरण रहा हो, ये कभी चूकता नहीं है चाइना। तो इसके ऊपर नकेल डालने के लिए पहले सन 1992 में क्या हुआ कि इंडिया में और प्लस अमेरिका में एक मालाबार नौसेना अभ्यास चला, मालाबार
के नाम से नौसेना नेवी का नौसेना अभ्यास ये चलता है 92 से। उसके बाद में फिर इसी नौसेना के मामले में आगे जाकर के 2015 में जापान जुड़ जाता है। भाई एक तरफ से जापान जुड़ गया तो जापान ने नकेल डाली इसके ऊपर, पहले इंडिया चाइना का चलता ही था, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया भी नीचे बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने भी सोचा कि भाई जे भी हम पर मतलब हमें भी नुकसान हो रहा है। 2017 में जब देख लिया था कोविड के सबसे ज़्यादा जब मरीज मरे थे यहाँ पर, जब चाइना का हाथ निकला था, तो वो समझ गया कि चीन बहुत गद्दार देश है, तो उसने भी कहा कि भाई हमको भी शामिल कर लीजिए इस मालाबार एक्सरसाइज में। तो 2020 में उसको भी शामिल कर लिया गया, 2020 में ये भी आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया भी इस मालाबार नौसेना अभ्यास में, ठीक है। तो इस तरीके से ये मजबूत होता चला गया। लेकिन सबसे पहली बार ये जो है 2004 में प्रकाशन में आया था। 2004 में क्वाड देश में क्या हुआ कि ये चारों देश सबसे पहले आए और उन्होंने कहा भाई सुनामी जब आई थी तो सुनामी के चक्कर में एक दूसरे की मदद करने के लिए कि जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं इनकी आपस में कैसे मदद की जाए, कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है। तो उस समय ये चारों कंट्री इकट्ठे तो इसी बहाने हुए, लेकिन इसी जो जापान के प्राइम मिनिस्टर उस समय हुए थे तत्कालीन शिंजो आबे, उन्होंने जब देखा कि भाई ये तो काफ़ी मजबूत भी रहेगा मामला, तो वो इंडिया आए 2007 में अगस्त में आते हैं और इंडिया की संसद में ये बात कहते हैं कि चीन यानी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि हम इंडो और पैसिफिक क्षेत्र जो है समुद्र का यानी हिंद और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र आता है उसमें हम किसी भी प्रकार से हम दबेंगे नहीं और इसकी जो शक्तियां हैं उनका हम मुकाबला डट करके करेंगे। इनडायरेक्टली वे में उन्होंने चाइना का नाम लिया, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि 2007 के बाद एक दो महीने के बाद वो जाते हैं जापान में और इस्तीफा दे देते हैं, तो क्या हुआ कि जापान ढीला पड़ गया। तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर इनके बाद आते हैं शिंजो आबे के बाद यासुओ ओकिदा आए, उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया इस बात पर। फिर इंडिया के भी जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके उस समय तत्कालीन श्रीमान जो आपके तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो मनमोहन सिंह जी क्या कहते थे कि चाइना हमारा मित्र है, उससे हमें बहुत व्यापार हमारा अच्छा होता है, ये है वो है, ये समय देख करके नहीं पहचान पाए। तो फिर इंडिया ने भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। अब हुआ क्या कि थोड़े दिन बाद हाँ 2008 में सिंगापुर भी जुड़ा था इससे क्वाड से और आपका ऑस्ट्रेलिया भी आया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी फिर पीछे हट गया और सिंगापुर भी हट गया। तो चाइना ने इसी बात के ऊपर ये कहा कि ये तो एक समुद्री झाग की तरह ये मतलब चार देश इकट्ठे हुए और जैसे झाग उठते हैं और वो छिप जाते हैं, इनका मन होता है कभी आ गए निकल करके, नहीं तो ये अपने आप कम हो जाते हैं। चाइना ने इस बात का को ये समझ लिया कि ये चारों देश कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दोबारा सन 2012 में पुनः जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर ये आपके जो हैं शिंजो आबे की सरकार आती है। फिर शिंजो आबे की जब सरकार आई तो उन्होंने ये महसूस किया और दोबारा से इसको मतलब मजबूती के साथ खड़ा करने का अपना संकल्प शक्ति लेते हैं। उधर इंडिया में भी सत्ता परिवर्तन हो जाता है 2014 में, हमारे आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने भी ये समझ लिया सन 2014 से लेकर के 17 तक कितना इसने चाइना ने बवाल किया था किसी न किसी रूप में। और उधर ये कोविड का प्रकरण आया तो ऑस्ट्रेलिया भी समझ गया इस बात को। तो 2017 में ये जो है संगठन दोबारा से फिर एक बार मतलब जीवित होता है, जीवित होने के बाद में फिर आगे काम करता है। फिर मालाबार एक्सरसाइज में ये ऑस्ट्रेलिया भी इसको भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन इनका मतलब क्या है कि मुख्य उद्देश्य आप ये समझिए कि चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण उत्पन्न हो रही जो राजनैतिक भू राजनैतिक और भू राज
रणनीतिक चिंताओं के मद्देनज़र ये जो आपके शिंजो आबे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात रखी थी कि भारत के नेतृत्वकर्ताओं के साथ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जो जापान के नेतृत्वकर्ताओं के साथ में ये जो है आपका दोबारा से इस मतलब क्वाड को मजबूती प्रदान की जाए और क्वाड की स्थापना की जाए। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके 2007 में इसकी एक औपचारिक स्थापना हुई थी। चीन के आक्रामक नीतियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये साझेदारी जो है शुरुआती चरण में रही, लेकिन इसका जो है कोई परिपक्वता नहीं थी, कोई अनुभव नहीं था। इस कारण जो है ये जो है कुछ डाउनफॉल भी होता चला गया, और डाउनफॉल होने के कई कारण, जैसे इंडिया ने कहा, लेकिन है क्या कि आपने देखा होगा जब अटल जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय आपके जो वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा साहब थे, तो ईरान की स्थिति जो इस समय है और आपकी साउथ कोरिया की जो स्थिति है, यानी जो प्रतिबंध लगे वो इंडिया पर भी लगे थे, लेकिन वित्त मंत्री हमारे बहुत योग्य थे, वो इस संकट से उबार करके ले गए। लेकिन है क्या कि चाइना ने क्या किया, जैसे इसका व्यापार ऑस्ट्रेलिया से होता, ऑस्ट्रेलिया एक मतलब जनसंख्या की दृष्टि से तो बहुत छोटा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो है लगभग 250 बिलियन डॉलर जो है उसका व्यापारी चाइना के साथ में है, और चाइना केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए 35 बिलियन डॉलर करता है, यानी 200 बिलियन डॉलर का चाइना के चाइना से ऑस्ट्रेलिया को लाभ है। तो ऑस्ट्रेलिया पर दबाव देने के लिए चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया, कि कहा कि भाई ठीक है चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगा दीजिए, बहुत ऑस्ट्रेलिया पर प्रतिबंध लगा दीजिए। तो तुरंत प्रतिबंध लगा दिया कि ऑस्ट्रेलिया आगे चल करके इससे हट जाए। लेकिन अब इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को ये करना चाहिए जो हमारी वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीता रमण जी, उनको ये चाहिए कि वो चाइना के जितना भी प्रोडक्ट हम वहाँ से लेते हैं सब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, हम कोई भी चीज़ नहीं खरीदें, क्योंकि इंडिया तो उनसे 15 बिलियन का व्यापार करती है इंडिया वहाँ से, और चाइना जो है इंडिया से खरीदता है मतलब 15 पैसे के बराबर, और इंडिया वाले लोग खरीदते हैं 65 पैसे के बराबर, यानी 65 बिलियन आपका डॉलर का, तो 50 बिलियन डॉलर का इंडिया को घाटा है, लेकिन फिर भी हम दब्बू बने पड़े हैं। तुरंत इसके ऊपर प्रतिबंध लगाएं, कठोर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि देश का अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री अगर ये मजबूत होंगे तो वो देश मजबूत होगा। तुरंत इसमें एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो है क्या फिर इंडिया की कोई मदद नहीं करेगा, फिर ये क्वाड देश जो भी इंडिया के संपर्क में कोई भी कंट्री आएगा कहेगा अरे क्या फ़ायदा इंडिया के पास जाने से, इंडिया की मदद करने से क्वाड की स्थापना की गई, लेकिन पीछे हट जाएंगे कंट्री। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो आपकी चाइना की जो मतलब गारंटी है वो कोई नहीं है, चाइना तो किसी भी देश का सगा नहीं है, वो विस्तारवादी नीति पर रहता है, एक छोटा सा हिस्सा था, बढ़ते 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 कहाँ तक चला गया। तो जो भारत की जैसे भारत ने क्या, बंगाल की जो खाड़ी है हमारे देश की, जैसे आप ये समझिए कि बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, तो यहाँ भी इंडिया ने अपना मतलब वो लगा दिया, सुरक्षा कर दी है, इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सुरक्षा हो गई समुद्र में, और इधर जापान की तरफ से हो गई, देखें चाइना कहाँ से घुसेगा, चाइना का जो क्षेत्र है साउथ चाइना सी वो इधर है, और यहीं से इंडिया पैसिफिक भी आता है हिस्सा। तो इन सब पर कमांड करने के लिए इन चारों देशों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, ये लंबे समय तक इनका मामला चलता रहे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके आप ये समझिएगा कि सन 2021 में वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसकी मेज़बानी अमेरिका ने की थी, जो बाइडेन के द्वारा हुई थी। उसके बाद में 2022 में ये जो है अभी इसमें टोक्यो में हुई है, और टोक्यो में जो आपके योशी हिदे
सुगा तो थे 2021 में थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये फ्यूमियो किसिदा जो 2022 में इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, ये भी रहे थे। आगे चल करके 2023 में इंडिया में होगा, 2024 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये इन लोगों ने संकल्प कर लिया है कि हर साल इस क्वाड देश का आयोजन होना कंपलसरी है। अगर चाइना के ऊपर नकेल डालना है तो ये चारों देशों का इकट्ठा रहना ज़रूरी है। लेकिन चाइना जो है किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को नबज पकड़ेगा तो उसे ऑस्ट्रेलिया ही कमज़ोर लग रही है, क्योंकि इंडिया तो दबने वाला है नहीं मोदी जी के शासन में। और उसके बाद में ना आपका जापान दबेगा, जापान का तो पुराना ही दुश्मन हो गया, अमेरिका वैसे नहीं दबने वाला। तो इसने ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल करने के लिए इसने सारा मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी इसका माल नहीं करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए $200 बिलियन का घाटा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया तो हो सकता है इसको क्वाड देश से हट जाए दबाव में, लेकिन इसके लिए दबाव यही तरीका समझ में आ रहा है कि किसी भी तरह से इंडिया जो है चाइना के ऊपर जितना भी जो माल हम वहाँ से आयात करते प्रतिबंध लगा दे। तो ऑस्ट्रेलिया को भी पता लगेगा कि चलो इंडिया हमारे साथ खड़ा हुआ है। जैसे ये अगर आप ये मानिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर इस चाइना ने इस पर आपके ऑस्ट्रेलिया पर प्रतिबंध लगा दिया कोई भी सामान नहीं खरीदे अगर दबाव में देने के लिए क्वाड से हटने के लिए। अब इंडिया को क्या चाहिए? अब जैसे इंडिया है, अब इंडिया भी इस पर प्रतिबंध लगा दे, यहाँ इंडिया प्रतिबंध लगा दे चाइना के सामान पर प्रतिबंध लगाए, ठीक है, चाइना के व्यापार पर, चाइना के सामान पर, ठीक है, तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया भी समझेगा कि भाई इंडिया हमारे साथ है, अगर ये इसमें देरी करते हैं इंडिया वाले तो भाई चाइना, ये ऑस्ट्रेलिया हट गया तो ये मतलब संगठन टूट जाएगा, और यही चाइना चाह रहा है। अब चाइना को ये लगने लगा है कि ये बहुत खतरनाक संगठन हो गया है, ये हमको यहाँ पर जो आपका साउथ चाइना सी है वहाँ पर भी ये चारों देश तैयार बैठे हैं, ठीक है, इधर इंडिया की भी सुरक्षा की दृष्टि है, कहीं भी घुसपैठ नहीं कर पाएगा चाइना। तो इसके बारे में जितना विस्तार से बताऊं वो कम है, समय के कारण मैंने आपको प्रयास यही किया इसके बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई, 2007 में हुई, 2004 में ये प्रकाशन में आया और 2017 में दोबारा से ये जीवित हुआ, और ये जो है 2008 से मतलब ये जो है यहाँ पर 2008 में जा करके 8 से लेकर के ये 2017 तक ये कमज़ोर रहा, ये संगठन कमज़ोर रहा, फिर 2017 से ये दोबारा उठता है और 2021 में ये जा करके प्रथम इसका 2021 में प्रथम सम्मेलन हुआ इसका, ठीक है, और इसके बाद में 2022 में दूसरा हो गया, ये अभी टोक्यो में हुआ है, और 2023 में इंडिया में होगा, 2024 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो साथियों इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से आपको मिलने वाले होते हैं, यही पूछा जा सकता है कि क्वाड में कितने देश हैं, इसका पूरा नाम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, ये सम्मेलन इसका पहला सम्मेलन कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ, भविष्य क्या है, बहुत सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसका भविष्य जो है, अगर इंडिया के लिए बहुत मेन इम्पॉर्टेंट इंडिया कंट्री है, इंडिया की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये संगठन मजबूत रहे, इंडिया के लिए फ़ायदा रहेगा, जिसके लिए इंडिया को बहुत मजबूत निर्णय लेने होंगे, चाइना को कभी अपना समझना नहीं है और इन चारों देशों को मिला करके रखना है, तभी क्वाड मतलब एक तरह से स्थायी बना रहेगा ये चारों देशों का समूह ये, और इसका उद्देश्य भी क्लियर है कि चाइना के ऊपर इसकी रीति नीतियों पर कंट्रोल करना है, इसकी विस्तारवादी सोच को रोकना है, समुद्र में भी
जो इसका साउथ चाइना सी, इंडिया पैसिफिक सी, हिंद प्रशांत महासागर पर कब्जा करने से भी रोकना है, जिससे कि दुनिया के तमाम देशों का जो व्यापार करने का एक केंद्र है वो वहाँ पर आना जाना बना रहे। तो इसी के साथ में जो है आपको अपनी बात यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ और आगे मैं मिलता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।